जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। रोज सुबह जिस घर की महिलाएं करती हैं ये काम, वहां धन कुबेर रहते हैं मेहरबान। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसे काम जिन्हें किसी भी घर की महिलाएं अगर नहीं करती तो वहां धन कुबेर मेहरबान नहीं होते। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। घर परिवार पर किसी भी तरह की कोई आंच ना आए, इसके लिए हर व्यक्ति भरपूर प्रयास करता है। जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, सुख है तो दुख भी आएगा, और दुख है तो सुख भी जरूर आएगा। इसके लिए कुछ ऐसे काम हैं जो घर की महिलाओं को हर रोज करने चाहिए, जिससे धन कुबेर मेहरबान होंगे और ऊपरी बाधाएं घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अनावश्यक परेशानियों से भी बचा जा सकेगा। नंबर एक पर है, घर के हर कमरे में 50 ग्राम फिटकरी रखें। किसी भी तरह का दोष घर पे टिक नहीं पाएगा। नंबर दो, पूर्व तथा दक्षिण दिशा में सिर करकर सोने से बढ़ती है उम्र और भरती है जेब। नंबर तीन, झाड़ू पोछा खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए, रसोई में तो बिल्कुल भी ना रखें, इन्हें हमेशा छुपा कर रखें। नंबर चार, पोछा लगाते समय उसमें थोड़ा सा नमक अवश्य डालें, घर में नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। नंबर पांच, आपके घर में नल लीक ना करता हो, अर्थात पानी टपकता ना हो, और आग पर रखा दूध या चाय उबलना नहीं चाहिए, इससे आमदनी से ज्यादा खर्च होने की संभावनाएं होती हैं। नंबर छह, मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार या शनिवार हनुमान जी को भोग चढ़ाएं। नंबर सात, हनुमान जी को भोग चढ़ाएं। नंबर सात, प्रत्येक मंगलवार को बच्चे के सिर पर से कच्चा दूध 11 बार बार कर किसी जंगली कुत्ते को शाम के समय पिला दें, बच्चा दीर्घायु होगा, ऐसी मान्यता है। नंबर आठ, किसी रोग से ग्रसित होने पर सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें, ऐसा करने से सेहत ठीक रहेगी। नंबर नौ, नौकर ना टिके या परेशान करे तो हर मंगलवार को बेदाना यानी कि मीठी बूंदी का प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ाकर लड़कियों में बांट दे, ऐसा चार मंगलवार करने की प्रथा है, और ऐसा करने से आपके नौकर आपके कहने पर ही रहेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।